अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को सलाम, और तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ। तमाम लोगों का ये सवाल है मुझसे कि YouTube से कैसी चीज़ें हम अपने फ़ोन स्टोरेज और मेमोरी कार्ड स्टोरेज में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें कि जब भी आप अपने YouTube ऐसे देखते हैं तो ये लाइब्रेरी है, आप उसके ऊपर ये देखें मैंने 3 चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। तो कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद ये दोबारा आपसे, ये आपकी MBs खाता है, दोबारा आपकी MBs ज़ाया करता है, इंटरनेट को आपका ज़ाया करता है। ये देखे मैंने 30 किए, लेकिन ये 2-3 दिन के बाद ये दोबारा कह रहा है कि ये दोबारा करो, अभी मैंने ये की तो ये दोबारा डाउनलोड हो जाएगी। तो उससे बेहतर हाल है, बेहतर तरीका है कि आप अपने प्ले स्टोर पर जाएँ, विडमेट की ऐप डाउनलोड करें, और इसको डाउनलोड करने के बाद आप ये देखें इसके ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब, फेसबुक, डेली मोशन, इंस्टाग्राम, आप किसी भी जगह से किसी भी तरह की नई और पुरानी और अच्छी और दिलचस्प और इस्लामिक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि सब लोगों का सवाल है कि यूट्यूब से हम कैसे डाउनलोड करें, तो यूट्यूब पर ये हम क्लिक करें तो ये हमारे पास यूट्यूब खुल गया। अब मैं ये कोई भी यहाँ पर सॉन्ग लिखूँगा या कोई भी चीज़ लिखूँ तो उसको ईजीली मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ये सर्च में मैं जाता हूँ तो लिखता हूँ इस्लामिक वीडियो, हम इस्लामिक वीडियोस पे मैंने अब ये क्लिक किया तो ये मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन और डाउनलोड का आइकन आ हुजूर गया इस है, बात को पसंद करते थे। और ये मैं डाउनलोड पे क्लिक किया और ये मेरे पास अब रिजल्ट कर रहा है। MP3 आपने करनी है तो एज वेल, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप वीडियो भी कर सकते हो। तो वीडियो देखना चाहो तो वीडियो में आप डाउनलोड करो, ऑडियो देखना चाहते हो तो ऑडियो में डाउनलोड करो। ये जब आपके डाउनलोड हो जाएगा तो ये आप इधर से चेक करें कि डाउनलोड हो गया, ये देखें।